हिमाचल प्रदेश वरिष्ठ आईएएस अफसरों की कमी से जूझ रहा है। राज्य में 153 के आईएएस कैडर में से 115 ब्यूरोक्रेट पोस्टेड हैं। सीनियोरिटी में टॉप 10 आईएएस में से 4 पहले ही सेंटर में डिप्यूटेशन पर हैं। अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक के 2 और आईएएस सेंटर डेप्यूटेशन पर दिल्ली जा रहे हैं। मुख्य सचिव आरडी धीमान इस साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं। पूर्व मुख्य सचिव राम भुगत सिंह समेत 8 आईएएस डॉक्टर अजय शर्मा, राजीव शर्मा, अमिताभ अवस्थी, अक्षय सूद, अमित कश्यप, कल्याण चंद व राकेश शर्मा 2023 में रिटायर हो रहे हैं। जाहिर है कि नई सरकार को 2023 व इसके बाद आईएएस की कमी से जूझना पड़ेगा। खासकर सीनियर आईएएस की कमी सरकार के कामकाज में बाधा उत्पन्न कर सकती है। सीनियर आईएएस की कमी का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि राज्य में कुछ साल पहले 7 अतिरिक्त मुख्य सचिव रैंक के अफसर थे, आज प्रबोध सक्सेना के रूप में एक ही एसीएस है। 3 सीनियर आईएएस राम भुगत सिंह, निशा सिंह और संजय गुप्ता को पूर्व जयराम सरकार ने प्रधान सलाहकार लगा रखा है। इन अधिकारियों से कोई काम नहीं लिया जा रहा है। आईएएस की सीनियोरिटी लिस्ट में 3रे, 6ठे, 8वें व 9वें स्थान पर चल रहे 4 सीनियर आईएएस अली रजा रिजवी, के संजय मूर्ति, के पंत और अनुराधा अभी सेंटर में डेप्यूटेशन पर हैं। आलम यह है कि सीनियोरिटी में टॉप 10 आईएएस में से 3 ही राज्य में काम कर रहे हैं। इसमें मुख्य सचिव आरडी धीमान, एसीएस प्रबोध सक्सेना और प्रधान सचिव ओंकार चंद शर्मा शामिल हैं। 3 आईएएस को प्रधान सलाहकार लगाया गया है और 4 सेंटर में डेपुटेशन पर हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 2023 अफसरशाही के लिहाज से सुक्खू सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स किसी भी सरकार का आईना होते हैं, मगर राज्य में सीनियर ब्यूरोक्रेट्स गिने चुने रह गए हैं। इस वजह से सुक्खू सरकार के पास नए मुख्य सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम जैसे अहम पदों के लिए कुछ ज़्यादा विकल्प नहीं रहा है।